इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम मोशन की चार इक्वेशंस पढ़ेंगे। तीन इक्वेशंस तो वो हैं जो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हैं। बस फर्क इतना है कि नाइन्थ क्लास में जो आप इक्वेशंस पढ़ के आए हैं वो थी ग्राफिकल मेथड से, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस मेथड से। तो वहाँ आप तीन इक्वेशंस पढ़ के आते हैं, यहाँ हम चार इक्वेशंस पढ़ेंगे। जो तीन आपने पढ़ी हैं उसके अलावा एक इक्वेशन और, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं इनकी अपने कुछ वैलिडिटी होती है, ये वैलिड होती हैं किसी एक कंडीशन के लिए, और वो एक कंडीशन ये होती है कि ये जो मोशन की इक्वेशन हैं ये हमेशा कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ही वैलिड होती हैं। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये वैलिड नहीं होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी तो समझ में आती है कि कोई बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। 0 मीटर पर सेकंड मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो उस कंडीशन में भी उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो कहा ही जाएगा, कितनी 0 है उसके पास। ठीक है, तो चाहे इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों ना हो वो हमेशा u से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 सेकंड के बाद ये बॉडी आ गई 10 मीटर पर सेकंड पे, गाड़ी चलाना शुरू किया तो स्टार्टिंग आपने की रेस्ट से 2 सेकंड के बाद आ गए 10 मीटर पर सेकंड पे। अब देखिए, टाइम आपको लगा 2 सेकंड्स, आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन a1 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे चलते हैं, अब यहीं से वेलोसिटी और बढ़ी, 10 मीटर पर सेकेंड से ये वेलोसिटी चली गई 20 मीटर पर सेकेंड पे, लेकिन टाइम उतना ही लगा, कितना, 2 सेकेंड्स का। तो एक्सीलरेशन कितना आया, एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो 20 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 बाई 2, तो 10 बाई 2 हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 2 विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद वेलोसिटी और बढ़ी, बढ़ के 20 से 30 पहुंच गई, टाइम 2 सेकेंड का ही, तो एक्सेलरेशन अगेन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे मोशन में एक चीज देखी जाए तो एक्सेलरेशन तो मिल रहा है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन तो मिल रहा है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा मोशन आपको नेचर में कहाँ देखने को मिलता है, एक बॉडी को आप जब ऊपर से नीचे गिरा देते हैं तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिलता है, और वो एक्सीलरेशन कितना होता है आप पढ़ के आए हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के मोशन की। दूसरे तरह का मोशन कैसा हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 10, लेकिन टाइम कितना लगा, 4 सेकंड का, 4 सेकंड का टाइम लगा, तो आपने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कैसे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 1 आ गया। अब ये जो वेलोसिटी है वो 10 से 20 पहुंच गई, लेकिन इस बार टाइम 4 की बजाय 2 सेकंड लगा। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी 20 से 30 जब पहुंच गई तो इस बार टाइम और कम लगा, कितना, 1 सेकंड टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां अगर आप गौर से देखें तो यहां 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की कंडीशन इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए वैलिड नहीं है। ये कौन सी एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम एक ग्राफ से, ग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे।
देखिए ये हमने एक ग्राफ बना लिया, ग्राफ में ये वाली एक्सिस हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होगी ये हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो है आप जो भी ग्राफ ले रहे हो, यहाँ हम ग्राफ ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये वेलोसिटी को शो करेगी। अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ लेंगे तो यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा मोशन, मोशन को मैं ग्राफिकली दिखाऊंगा जरूर, लेकिन कैलकुलेशन मतलब डेरिवेशन जो भी होगा वो आपका कैलकुलस मेथड से होगा। तो देखिए मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी ने चलना शुरू किया, वो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, ठीक है। तो उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू क्या हो गई, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ये चलते 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 यहां पे आ गई, तो यहां जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी यू थी और टाइम था टी इज इक्वल टू जीरो। जब ये टाइम टी इज इक्वल टू टी पे पहुंची तो उस वक्त इसने जो वेलोसिटी गेन कर ली थी वो वेलोसिटी कितनी थी, स्मॉल वी, क्या वी, वो वेलोसिटी वी थी। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि इस मोशन के दौरान इस बॉडी ने एक्सीलरेशन कितना किया है, ठीक है। अब उस एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम कुछ थ्योरी लिख ले, वो थ्योरी क्या होगी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू यू, यू से रिप्रेजेंट किया। अब आप जब कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल लिखेंगे, तो आप यू इज इक्वल टू जीरो लिख दीजिएगा वहां पे, फिलहाल तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ यहां पे आपने टर्म लिख लिया, वैल्यू नहीं लिखी, यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वी, ठीक है। इनिशियल टाइम या इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम क्या हो गया, टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट किया है उसने। एंड फाइनल टाइम टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, सो एज वी नो एक्सीलरेशन किसी भी बॉडी का होता है क्या, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। सो अब यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू अगर निकालें तो डीवी विल बी इक्वल टू ए इंटू डी टी, ठीक है। चलिए तो यहां पे आपने क्या किया, डीवी, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, जिस भी चीज को आप इंटीग्रेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट लगाते हैं। जैसे आपने यहां टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टाइम की लिमिट लगाएंगे, टाइम की लिमिट कहां से कहां लगेगी, इनिशियल टाइम क्या है जीरो, फाइनल टाइम क्या है टी, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, फाइनल वेलोसिटी क्या है वी, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, डीवी का इंटीग्रेशन, डीवी का मतलब है स्मॉल वेलोसिटी, इंटीग्रेशन का मतलब है ऐड करना, किसको ऐड कर रहे हैं, डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी प्लस डीवी, कहां से कहां तक, वी तक, तो क्या आ जाएगा कंप्लीट इंटीग्रेशन वी, ठीक है। तो ये हो गया वी, और U से V मतलब अभी आपको लिमिट नहीं लगानी है इंटीग्रेशन के नेक्स्ट टर्म में, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है और इंटीग्रेशन लिमिट्स रख देनी है, पुट नहीं करनी है अभी। चलिए अच्छा इसका इंटीग्रेशन हो गया क्या, A इंटू टी, जीरो से T तक की लिमिट, आगे बढ़ते हैं अब लिमिट्स लगाते हैं, लिमिट्स क्या आ जाएगी, फाइनल लिमिट V इज इक्वल टू V पुट कर दिया, माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट क्या होगी, V इज इक्वल टू U पुट कर दिया, तो V माइनस U इज इक्वल टू ए इंटू टी, और ये हो गई फाइनल लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट जिसको हम बोलते हैं, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो ए इंटू जीरो। चलिए तो आपके पास यहां से यू को मैं उधर ले जाऊं तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और माइनस ये जीरो इंटू ए विल बी जीरो, तो ये आ गई आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, वो भी एक ग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे,
ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तो ये टाइम की एक्सेस और ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सेस। किसी बॉडी ने मोशन करना स्टार्ट किया जब वो रेस्ट में थी, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो, और ये चलते चलते कहाँ पहुँच गई, यहाँ, यहाँ पहुँचने में इसको जो टाइम लगा वो टी लगा, और जो डिस्प्लेसमेंट इसने किया है, ये जितना डिस्प्लेस हुई है अपनी पोजिशन से, दैट इज एस। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अब। तो देखिए, हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम होता है। हम यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो गया वी इंटू डी टी विल बी इक्वल टू डी एस। अब एल एच एस को आर एच एस में, आर एच एस को एल एच एस में लिख लेंगे। तो देखिए, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, और इसको कर दीजिए आप क्या, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने से पहले वेलोसिटी की वैल्यू लिख लीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू ये है आपके पास। तो देखिए, डी एस इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स रख दीजिए। आप इंटीग्रेट कर रहे हैं डी एस को, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, जीरो से लेके s तक। तो ये हो गया जीरो और ये हो गया s। यहाँ आप टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके t तक। तो ये हो गया जीरो से t तक। चलिए, डी एस का इंटीग्रेशन मतलब डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, एस। तो ये हो गया एस, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एस इज इक्वल टू, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी प्लस डी टी प्लस डी टी क्या हो जाएगा, टी, टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया यू इंटू टी प्लस हाफ, सॉरी हाफ नहीं, ए, और ये हो गया टी, टी तो ये ऑल बन गया, टी का टी से मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर हो गया, और जितना पावर में होता है उतना ही डिनोमिनेटर में होता है। तो ये हो गया ए टी स्क्वायर, और आपने लिमिट रख दी जीरो से टी, ठीक है। चलिए, अब आपने अपर लिमिट रखी, एस इज इक्वल टू एस रख दिया। बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पे, वो परेशान कैसे होते हैं कि एस इज इक्वल टू, वो एस को एस से मल्टीप्लाई करके एस स्क्वायर बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एस की जगह यहाँ पे अगर एक्स भी दिया होता, क्या एक्स भी दिया होता, तो आप एक्स लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो एस इज इक्वल टू आप एस पुट करना है, नेक्स्ट में एस इज इक्वल टू क्या पुट करना है, जीरो इज इक्वल टू यू टी, आपको टी की जगह टी पुट करना है, प्लस हाफ टी की जगह अगेन टी, टी स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यू इंटू जीरो प्लस हाफ जीरो स्क्वायर। वैसे जीरो अगर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, बस समझाने के लिए लिख दिया है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है डीवी बाई डी टी, ठीक है। यहां से आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों का रिलेशन निकाल सकें। वेलोसिटी का मतलब है, अब अगर आप सेकेंड मोशन को देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, तो यहाँ वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी है, लेकिन हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो, और फाइनल वेलोसिटी भी हो। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, इसके आर एच एस में हम डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे और डी एस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, मल्टीप्लाई इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगले स्टेप में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एस। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी एस डी एस। चलिए देखिए, डी एस बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाता है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू ये हो गया v इंटू डी वी अपॉन डी एस। डी एस को हम उधर ले जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। अब है इसको इंटीग्रेट करना, तो नाउ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेट करेंगे तो a इंटू डी एस
इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट लगाएंगे। तो इसको लिमिट क्या लगेगी यहाँ पे, यहाँ पे डी एस की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से एस, और डी वी की लिमिट यू से वी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए इंटीग्रेट करने के बाद क्या वैल्यू आती है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए इंटू एस डी एस प्लस डी एस प्लस डी एस ए इंटू एस, तो ये जीरो से एस की लिमिट, और ये वाली लिमिट हो गई आपकी क्या, वी डी वी। डी वी का मतलब क्या है, डी वी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी प्लस डी वी प्लस डी वी प्लस डी वी क्या आ जाएगा, वी। तो वी को वी से मल्टीप्लाई किया, वी स्क्वायर हो गया, और जितना पावर में होता है उतना डिनोमिनेटर में, तो वी स्क्वायर बाई टू, यू से वी तक की लिमिट है। चलिए लिमिट्स पुट कीजिए, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ए इंटू एस फाइनल लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, जीरो पुट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसको ए इंटू एस ही रहने दीजिए। उसके बाद वी स्क्वायर, मतलब वी इज इक्वल टू वी पुट करना है, तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट, वी इज इक्वल टू यू पुट करना है अब आपको, तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई टू। यहाँ से आपने टू कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई तीनों जो आपने नाइन्थ क्लास में की थी। अब एक और इक्वेशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको nth सेकेंड का निकालना है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड पे कितनी हो रही होगी डिस्प्लेसमेंट, वो आपको निकालना है। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमने बनाया है किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। एक बॉडी में मोशन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो मोशन हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये मोशन हुआ, ये हो गया मोशन n तक का। तो मैंने पहले निकाल लिया क्या, पूरा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कहां तक, n सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड्स, ठीक है, एक चीज याद रखना, डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड में फर्क है। फर्क क्या है, जब भी मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड्स, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट n सेकेंड्स के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और जब मैं nth सेकेंड की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर उस मोमेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों में फर्क है, ठीक है। अगर मैंने कहा 6 सेकेंड, तो अगर n अगर 6 है तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड्स, मतलब 6 सेकेंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, और अगर मैं nth सेकेंड की बात करूं तो मुझे निकालना होगा कि छठे सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उससे पहले 5 पे कितना हुआ है इससे मतलब नहीं है, छठे पे कितना हुआ है इससे मतलब है। क्या बात समझ में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड्स, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर n, ठीक है, तो आपने t इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको नंबर दे दिया 1। चलिए अब क्या किया आपने, ये तो हो गया n सेकेंड्स के लिए, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए क्या n माइनस 1 सेकेंड के लिए। यहां पे अगर ये n सेकेंड यहां है तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 सेकेंड्स के लिए। आपने एक सेकेंड ही तो घटाया है, उस एक सेकेंड के लिए, वो भी जो भी वो एक सेकेंड है उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि n में से n माइनस 1 हम माइनस कर देंगे, तो पहले हम n माइनस 1 के लिए निकाल लें। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट फॉर n माइनस 1 सेकेंड्स, कंप्लीट n माइनस 1 सेकेंड्स के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट फॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये तो यू एन हो जाएगा, यू इंटू एन, तो इसको यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन, नहीं इसको पहले स्क्वायर को खोल लेते हैं, स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए माइनस 2an,
इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये ए एन, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, इसको आपने नंबर दे दिया क्या टू। अब देखिए आपके पास एन सेकेंड्स के लिए डिस्प्लेसमेंट आ गया, एन माइनस वन सेकेंड्स के लिए भी आ गया। अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं, ब्लू में से ग्रीन को माइनस कर, रेड को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट इस सेकेंड के लिए आ जाएगा, ये हो जाएगा nth सेकेंड, ये वो nth सेकेंड होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड, बहुत फर्क है n सेकेंड और nth सेकेंड में, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या फर्क है। तो आप देखिए यहां पे वैल्यू निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फॉर nth सेकेंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट फॉर n माइनस वन सेकेंड। तो आपने यहां पे वैल्यू पुट करनी है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इससे इसको माइनस करना है तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट मैं साइन के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते जाइए, यू एन से यू एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बची वैल्यूज क्या क्या उनको देख लीजिए, आप आपके पास वैल्यूज जो बची हैं वो बची है एक ये u माइनस माइनस हाफ a प्लस ए एन, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बच गई। यहां से आप कॉमन ले लीजिए क्या हाफ सॉरी a कॉमन ले लीजिए तो u इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया सॉरी u यू प्लस ए कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा एन माइनस वन बाई टू। तो ये आपके पास हो गई क्या फोर्थ इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो आज हमने इक्वेशन की चारों हमने आज मोशन की चारों इक्वेशंस पढ़ ली, कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स किए इन इक्वेशंस का कोई मतलब नहीं है। डेरिवेशन तो ये आता ही है, डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलेवेंथ क्लास का एग्जामिनेशन पेपर बनाना इस डेरिवेशन के बिना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कल न्यूमेरिकल्स को करेंगे।